अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी 5 के बारे में। ये एआई टेक्नोलॉजी का जदीद तरीन मॉडल है जो ओपन एआई ने बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी 5 क्या है, कैसे काम करता है और आप इससे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चैट जीपीटी 5 आखिर है क्या। चैट जीपीटी 5 एक जदीद जबान समझने वाला मॉडल है जिसे ओपन एआई ने तैयार किया है। ये एक ऐसा एआई है जो मुख्तलिफ जबानों में हमारे सवालात को समझ सकता है, इनका जवाब दे सकता है और हमारी बातों को इंसानी अंदाज में समझकर रद्द अमल दे सकता है। चैट जीपीटी के पिछले वर्जन जैसे कि 3-4 में सबसे पहले तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन चैट जीपीटी 5 मजीद बेहतरीन तब्दीलियों के साथ आया है। इसमें ज़्यादा मालूमात, बेहतर समझ बूझ और फितरी अंदाज में बातचीत करने की सलाहियतें शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी 5 की अहम खसूसियात क्या है। ज़्यादा कुदरती मकालमा, ये मॉडल बहुत फितरी और इंसानी अंदाज में बातचीत करता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। नंबर 2, ज़्यादा मौजूआत और मालूमात। चैट जीपीटी 5 में पहले से ज़्यादा मौजूआत पर बात करने की सलाहियत है और ये ज़्यादा जामे मालूमात फ्राहम कर सकता है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग की काबिलियत। एक साथ कई सवालात का जवाब देने की सलाहियत इसमें मौजूद है। यह खसूसियात इससे दीगर चैट जीपीटी बॉट्स से मुमताज़ बनाती है। नंबर 4, इंसानी जज्बात को समझना। इसमें इंसानी जज्बात को समझने की खसूसियत शामिल की गई है जिससे यह बेहतर तौर पर दोस्ताना या हमदर्दाना अंदाज में जवाब दे सकता है। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी 5 को मुख्तलिफ कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, यूट्यूब और ब्लॉगिंग के लिए मवाद बनाना। अगर आप मवाद तख्लीक करते हैं तो चैट जीपीटी 5 आपको मज़गूआत, उनवानात और तफसीलात फ्राहम कर सकता है ताकि आपकी वीडियोस या ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बेहतर और मौसर हो सके। नंबर 2, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में मदद। अगर आपको कोडिंग के मसाइल दरपेश हैं तो चैट जीपीटी 5 आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से रहनुमाई फ्राहम कर सकता है और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड्स लिखने से मदद दे सकता है। नंबर 3, तालीमी मुआनत। तलबा के लिए मुख्तलिफ मजामीन पर मालूमात फ्राहम करने में मावन है। ये रिसर्च करने, असाइनमेंट बनाने और प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ देने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 4, कारोबारी मामलात में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कस्टमर्स मोस्ट फ्राम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईमेल्स का जवाब देने, सवालात को समझ कर मौसर जवाब फ्राहम करने में ये बहुत कारामद है। आइए मज़ीद देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। वक़्त की बचत। चैट जीपीटी 5 की मदद से आपको तेज़ी से दुरुस्त मालूमात मिलती है। नंबर 2, मुख्तलिफ ज़बानों में बातचीत या मुख्तलिफ ज़बानों में बात कर सकता है जिससे ये एक आलमी सतह का मॉडल बन जाता है। नंबर 3, मालूमात का तेज़ी से हसूल। किसी भी मौजू पर फौरी मालूमात हासिल की जा सकती है, चाहे वह तलीमी हो या कार्रवाई। इसके नुकसान भी देखेंगे। फ़ायदे हैं तो जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। मुकम्मल इंसान की जगह नहीं ले सकता, अगर ये बहुत कुछ कर सकता है लेकिन ये एक इंसान की तरह मुकम्मल तख्लीकी सलाहियत और तजर्बा फ्राहम नहीं कर सकता। कभी कभार गलत मालूमात फ्राहम कर सकता है क्योंकि ये एआई मॉडल है, इसलिए कभी कभार गलत या गैर मुस्तनद मालूमात भी फ्राहम कर सकता है, इसलिए हमेशा इसकी मालूमात की तस्दीक करनी चाहिए। आखिर में हम यही कहेंगे कि दोस्तों, चैट जीपीटी 5 का मुकम्मल तारफ़ ये वाकई एक इनकलाबी है एआई टेक्नोलॉजी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मदद फ्राहम कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।